हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग और एक चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं। हम लोग इस सीरीज के अंदर कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न सीखते आ रहे हैं। ये आपका इंट्राडे के अंदर हो गया, ये आपका इन्वेस्टिंग के अंदर हो गया, काम आने वाला है। जो आज मैं चार्ट पैटर्न बताने वाला हूँ, राउंडिंग बॉटम, ये मैं इंट्राडे में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसको भी मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स के अंदर मैं किस तरीके से यूज़ करता था, या फिर जब भी मैं पहले स्क्रीन ऑन टाइम या स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे में ट्रेड करता था, इसको कंटिन्यूसली मैं वॉच करता था। पहले 5-10 मिनट में ये पैटर्न ढूंढता था। मैं आपको बार बार वीडियो के अंदर भी बताता हूँ, इसको इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, कुछ अच्छे मतलब यहाँ पे स्टॉक्स इन्वेस्टिंग भी मिल सकते हैं। तो एक पॉइंट डिस्क्लेमर यही है कि नहीं, वीडियो ओनली फॉर मतलब एजुकेशनल इसलिए है। ये मेक श्योर करना, जो भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑल, बस सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, उसको जाके आप डायरेक्टली खरीद मत लेना। अगर आप प्लान कर रहे हो एंड ऑल, वो आपका लुकआउट है, आप देखोगे मनी मैनेजमेंट एक्सट्री बोर्ड ये सारे देखोगे, लेकिन मेरा इंटेंशन है बस आपको सिखाना। ओके, सिंपल राउंडिंग कर्व क्या होता है? पहला पॉइंट है राउंडिंग कर्व, जैसे इस तरीके का पैटर्न अगर हम लोग को दिखे तो ये राउंडिंग कर्व के ऊपर जाता है। तो इसके ऊपर और एक पैटर्न हम लोगों ने कवर किया था, कप एंड हैंडल। उसमें क्या होता है, मार्केट ये राउंडिंग कर्व टाइप बनाता है या राउंडिंग बॉटम टाइप बनाता है, उसके बाद यहां से जब ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट करने आता है, यहां पे लोग खरीदते हैं, फिर जब ऊपर जाता है लोगों को लगता है कि ना ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टॉक्स के अंदर, ये तो डायरेक्टली इस तरीके से मूव कर रहा है, तो एक बड़ा सा अगर जनरली ये क्या होता है, दो पॉइंट है, मैं हमेशा पॉइंट्स बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट है कि राउंडिंग कर्व और आपका कप एंड हैंडल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिटेस्ट करने आता है। अभी आप बोलोगे सर हम पता कैसे चलेगा, मैं यहां पे बाय करूं या फिर वेट करूं, कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा तब ट्रेड करूं। देखो सिंपल ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ये दूर से ट्रैवल करा होगा, लेट्स से ये नेकलाइन है और यहां से राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इन द सेंस अगर आपको दिख रहा होगा दो स्टॉक दिख रहा है, एक ही बहुत छोटा सा राउंडिंग कप बना रहा है और एक ही बहुत बड़ा राउंडिंग कप बना के इस तरीके से मार्केट जा रहा है, ब्रेकआउट दे सकता है, तो उसका मतलब यहां पे चांसेस है पिटी है कि नहीं, ये जो बहुत ज्यादा जो कर्व रहेगा उसके अंदर आपको कप एंड हैंडल मिल सकता है, और जिसमें ज्यादा कर्व नहीं है वो डायरेक्टली ब्रेकआउट होकर जा सकता है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये समझ गए कि नहीं राउंडिंग कर्व सिंपल रहता है, राउंडिंग बॉटम इस तरीके से रहता है, और जब भी ब्रेकआउट रहता है हम लोग वहां पर ट्रेडिंग का प्लान करते हैं या इन्वेस्टिंग का प्लान करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छा लगा तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं किस तरीके से राउंडिंग बॉटम ट्रेड करता हूं। तो कुछ एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा, ये एनएससी का स्टॉक है, आप लोग को यहां पे हेडिंग में दिख रहा होगा स्टॉक, तो वीकली चार्ट्स के अंदर हम लोग अभी है, आपको दिख रहा होगा यहां पे, आप अगर यहां पे देखोगे आपको राउंडिंग कर्व दिख रहा होगा, आप यहां से दो ये मैंने इसीलिए यहां पे इंटरेस्टिंग है, देखो यहां से ये ब्रेकआउट दिया, आपको दिख रहा होगा राउंडिंग बॉटम दिखा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक आपको कप एंड हैंडल टाइप का भी रिट्रेसमेंट हुआ समय अराउंड ये जोन से, अगर देखेंगे ये जोन से ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आया था, ये आपको कंफर्म हुआ मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया था, हो सकता है आप यहां पे बाय कर सकते हो या फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तब बाय कर सकते हो। और एक छोटा सा राउंडिंग कर्व आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पे, मार्केट करंट लेवल पे छोटा सा एक राउंडिंग कर्व देके राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ मूव किया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी केस के अंदर आपको कप एंड हैंडल के लिए वेट करना है। आप देख रहे हो जितना ज्यादा ये डिस्टेंस नीचे की तरफ राउंडिंग कप बनाएगा, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, जितना ज्यादा ये राउंडिंग कप बनाएगा उतना चांसेस है कि नहीं एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, लेकिन अगर छोटा सा राउंडिंग कप है चांसेस है कि नहीं वो डायरेक्टली क्रॉस होकर निकल जाएगा, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे बाय करके आप अच्छा खासा यहां पे वेट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है, जनरली अगर ये छोटा सा इस तरीके का है तो जिस भी कैंडल में ब्रेक करता है मैं उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूं, सो दैट क्वांटिटी अच्छा खासा ले पाऊं, क्योंकि अगर रिवर्सल आना होगा तो बाद में हम लोग रीएंट्री कर सकते हैं, उस टाइम पे मनी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे छोटा सा अगर राउंडिंग कर्व है तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं, इसलिए मैंने बोला इंट्राडे में वन ऑफ माय फेवरेट, मैं स्टॉक्स के अंदर इसको बहुत ट्रेड करता था, और जब बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 1 मिनट चार्ट्स में देखता हूं तो इसको मैं जरूर देखता हूं, और आप लोगों को बार बार वीडियो के अंदर बताऊं उसको डिस्कस करेंगे। तो करंट लेवल पर अगर देखेंगे यहां से भी मार्केट एक राउंडिंग कर्व बनाया था, और ये बार बार आप लोगों को दिखता रहेगा स्टॉक्स के अंदर। जनरली होता क्या है स्टॉक्स के अंदर, लेट्स से कि एक प्राइस में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आया और ये स्टॉक का फंडामेंटल एंड ऑल अच्छा है, लेकिन ये प्राइस वैल्यूएशन लोगों को सूट नहीं कर रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पे फ्लैट होना स्टार्ट होता है, कि नहीं लोग यहां पे एक्युमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी अच्छा है, थोड़ा सा स्टॉक प्राइस ज्यादा था इसके लिए खरीद नहीं लेते, और यहां पे उसके साथ जब भी इसका वैल्यूएशन एंड अर्निंग्स एंड ऑल सारे मैच करने स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, दैट मींस ये प्रॉपरली एक्युमुलेशन जोन हो जाता है, ये एरिया फिर ब्रेकआउट जोन हो जाता है, और मोमेंटम ट्रेडिंग जितने लोग करते हैं यहां पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, और मार्केट यहां से अगर पॉज लिया कप एंड हैंडल बन गया उसके बाद एक मोमेंटम करता है, तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा मुझे भी इंटरेस्ट नहीं देता। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, लास्ट
भी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया था उसको भी हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर अगर देखेंगे। ये स्टॉक हिट द लाइक बटन, जितने लोगों को याद होगा मैंने ये स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक 400 के लेवल पे खरीदा था, और दैट टाइम जैसे मैंने बोला मैं ट्रेडिंग करके स्टार्ट किया हूँ, कभी इन्वेस्टिंग से स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं देख रहा था मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये स्टॉक मैंने 401 करोड़ रुपीज का खरीदा था और समय अराउंड यहाँ पे कहीं पे एक ब्रेकआउट हुआ था तो उस टाइम पे खरीदा था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं हाँ बहुत अच्छा सिनेरियो, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट था तो ये ब्रेकआउट जब हुआ था इसी जोन पे कहीं पे मैंने इसको एक्युमुलेट किया था और खरीदते ही साथ ऑलमोस्ट ये 900 हो गया, डबल हो गया। डबल होने के बाद मेरे लिए एक अचीवमेंट था, माइलस्टोन था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। उसका जब ये रिट्रेसमेंट हुआ ये लेवल पे इस जोन के आसपास कहीं पे मैंने इसको बुक कर लिया, क्योंकि मेरा आदत नहीं है, बाय नेचर में ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, इन्वेस्टिंग मुझे आता नहीं है और इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ एक आदत बन गया है ट्रेडिंग के अंदर, अगर मैं होल्ड करूंगा तो बड़े प्रॉफिट के लिए, तो इसके लिए भी ऑलमोस्ट 60-70% यहाँ से प्रॉफिट मिला। उसके बाद हुआ क्या, ऑलमोस्ट 5-6 times ऊपर की तरफ मूव किया है, और मतलब आप अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो 4-5 करोड़ होता है, दैट इज सेपरेट पार्ट। लेकिन हाँ ये सारे स्टॉक हाथ में आ जाएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन आप अगर मतलब जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो हाथ में आ जाता है। तो ये मैचडॉक ऐसा था, यहाँ पे देखोगे फिर से यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया, छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाया, देयर इज नो रिट्रेसमेंट, डायरेक्टली ये क्रॉस किया, सेम कैंडल में अगर परचेस होता तो फिर मोमेंटम ट्रेडिंग, जैसे मैंने बोला मोमेंटम इसमें अंदर रहता है। ये जगह पे जितने लोग खरीदते हैं वो वैल्यूएशन में खरीदते हैं, नीचे लेवल पे जितने खरीदते हैं वो वैल्यूएशन देख के खरीदते हैं, मैं जनरली मोमेंटम के आसपास खरीदता हूं, तो एक अच्छा लेवल पे ये गया। उसके बाद ये कंटिन्यूसली राउंडिंग कप बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा हुआ था लेकिन फेल हुआ था, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया एक बड़ा मोमेंटम आया इसके ऊपर, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक स्टॉक अगर चला गया फिर उसके ऊपर हाथ डालेगा डर लगता है कि नहीं और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा इस तरीके से, और ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे ना मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं इसको बाय कर लेना चाहिए सेल करना चाहिए, जितने लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं एटलीस्ट नो कि नहीं बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे खरीदे जा सकते हैं, और अभी तो वह शुरुआत है। मैं आने वाले टाइम में आपको बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस में 40-50% लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में सिर्फ 3-4%, और जिस तरीके से प्रमोशन हो रहा है चांसेस आर वेरी है कि नहीं 5-10 साल के अंदर ये नंबर 10% या 15% अगर चला गया तो यहां से डबल ट्रिपल भी मार्केट हो सकता है, तो इन्वेस्टिंग के लिए स्टिल इट्स अ गुड टाइप। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे करंट लेवल पे, और अभी एक स्टॉक है मैन इंडस्ट्री, यहां पे भी आपको दिखाएगा राउंडिंग बॉटम यहां पे दिख रहा होगा और करंट लेवल पे भी ये दिख रहा है राउंडिंग बॉटम बनाते हुए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज्यादा छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहां से एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर भी हो सकता है। एंड फंडामेंटल क्या है मुझे नहीं पता, ना मैच स्टॉक का क्या मिलता मुझे नहीं पता, टेक्निकली मुझे अच्छा दिखता है तो मैं खरीद लेता हूं, और अभी आने वाले टाइम में ये सारे एक्सपेरिमेंट और करते रहेंगे कि नहीं मैं स्टॉक खरीदूंगा, एंड हो सकता है कि ना कुछ रिटर्न अगर अच्छा मिला तो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कहां पे प्लान किया था किस लिए प्लान किया था, तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और एक स्टॉक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है मेट्रोपोलिस, यहां पे भी अगर देखेंगे आपको कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिख रहा है, यहां से ये लेवल एक बना था, थोड़ा सा जिटरी चार्ट है लेकिन अगर आप दिख रहा होगा यहां पे एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा राउंडिंग कप बनाने वाला है अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे यहां से, क्योंकि ये एरिया वैल्यूएशन गेम होता है, ये एरिया पे जितने लोग बाय करते हैं उन लोग फंडामेंटल और ऑल बहुत सारी चीजें देखते हैं उसके बाद बाय करते हैं, और ये लेवल पे जितने लोग बाय करेंगे अगर ये आएगा आने वाले टाइम पे तो ये लेवल पे वैल्यूएशन गेम नहीं होगा, ये मोमेंटम गेम रहेगा। जितने लोग यहां पे नेगेटिव सोच रहे होंगे उन लोग फिर बुलिश बन जाते हैं, तो ये राउंडिंग कम नीचे से धीरे धीरे यहां पे बना रहा है और ऊपर के लेवल पे ये भी आ सकता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से राउंडिंग पॉइंट, फिर हम लोग देखते हैं डेली चार्ट के अंदर। और एक और स्टॉक था आपको याद होगा जोमैटो, समय अराउंड इस जोन के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था ये एक राउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है, क्योंकि बहुत अगर देखें बहुत बड़ा गैप था, इन द सेंस बहुत बड़ा रेंज था, तो मार्केट ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा पुल बैक दिया, ऐसा नहीं कि मार्केट आपको पूरा एग्जैक्ट इस तरीके से बनाएगा स्लो एंड स्टडी, नहीं मार्केट ने यहां पे एक बार ब्रेक किया, आप अगर देखोगे 150 का लेवल 160 का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद 170-175 गया, फिर से रिट्रेस्ट आया, यहां पे अगर बाई किया होगा कोई तो एक अच्छा मोमेंटम के साथ अभी भी जा रहा है, अभी भी स्मॉल राउंडिंग कप बन रहा है तो ये कंटिन्यू जा रहा है, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस तो एक अच्छे लेवल पे ये दिख रहा है और कंटिन्यू जा सकता है। तो ये सारे स्टॉक है जो आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं। अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मैं प्लान करता हूं। जनरली मैं क्या करता हूं, पहला पॉइंट है कि एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं 1 मिनट चार्ट ऑलमोस्ट 5-10 मिनट तक देखता हूं, क्यों, क्योंकि वहां पे मार्केट यू टर्न एंड ऑल लेना, आपको पता होगा मैं बार बार बताता हूं कि मार्केट अगर गैप अप खुला वेट फॉर ए यू टर्न, यू टर्न नथिंग बट ए राउंडिंग बॉटम अगर दिख गया फिर मैं यहां पे
बाय करने के लिए प्लान करता हूँ। तो जैसे भी अगर हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट के अंदर मॉर्निंग आवर के अंदर, ये मैं डेली नहीं करता हूँ, मॉर्निंग आवर के अंदर करता हूँ, मतलब दिन भर नहीं करता हूँ, मॉर्निंग आवर के अंदर। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैफिक लाइट सेटअप भी दिखा होगा, मार्केट फिर उस तरीके से नीचे की तरफ एक यू टर्न बना, यहाँ पे कहीं पे फिर मैं प्लान करूंगा और मोमेंटम में जितना मिला मिला, अगर अच्छा चल गया और मोमेंटम और चल गया तो मेरे को पोजिशनल में भी एंट्राइड में बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ। ये यू टर्न, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया, तो ये यू टर्न में देखना पसंद करता हूँ, इसके अंदर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। और इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कर सकते हो, आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अगर करंट लेवल पे देखोगे, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गया, करेक्ट, तो यहां से अगर देखेंगे, यहां से एक कर्व बनाया, उसके बाद ये ब्रेकडाउन जब हुआ एक मोमेंटम दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या ये पैटर्न आपका यू टर्न है, क्या ये यू टर्न है, ये इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि यहां पे एक पैटर्न दिख रहा है। तो हमेशा जब जहां से एक ऑलरेडी मतलब क्या होता है, ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं है, जैसे यहां पे एक कैंडल बन चुका है तो ये ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं, ये कब बनता, जब मार्केट पूरा ऐसे यू टर्न बनता और इतना बड़ा यू टर्न में मैं ट्रेड भी नहीं कर सकता, तो वेट करके यहां से जब ब्रेकआउट दिया। कभी कभी ये पैटर्न अच्छे से नहीं दिखता है, इग्नोर कर सकते हैं, उस दिन ज्यादा ट्रेड नहीं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो पहला कैंडल इतना बड़ा बन गया और ये यू टर्न लेके गया, मार्केट ऊपर गया, यू टर्न में आके थोड़ा सा वेट किया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये मोमेंटम में मैं ट्रेड करना पसंद है। गैप अप गैप डाउन में मोस्टली मैं ट्रेड करता हूं, आंख बंद करके ट्रेड करता हूं, इन द सेंस अगर गैप अप खुला तो, क्योंकि वहां पे लेवल्स नहीं होते कि नहीं आप बाय करोगे सेल करोगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सारे ब्रेक हो जा चुके होते हैं क्योंकि ओवरनाइट गैप अप खुला है। तो इस टाइम पे मैं यू टर्न देखता हूं कि नहीं मार्केट अगर गैप अप खुला, अगर ये पहले सस्टेन कर रहा है कि नहीं, अगर सस्टेन कर रहा है तो ये यू टर्न बनाएगा तब मैं बाय करूंगा, अगर सस्टेन नहीं कर रहा होगा थोड़ा सा ऊपर जाके जब ये यू टर्न बनाएगा तब मैं सेल करना पसंद करूंगा। तो ये पैटर्न बनते रहते हैं, आप अगर देखोगे रेगुलरली चार्ट के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा कहीं ना कहीं। यहां पर आप लोगों को इस तरीके से यू टर्न पैटर्न दिखा नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रैफिक लाइट सेटअप जो मैंने बताया था उस हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको मॉर्निंग आवर के अंदर मैं ट्रेड करना एक घंटे के अंदर पसंद करता हूं और इसके अंदर ये बहुत टाइम दिखता है यू टर्न सिनेरियो। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको बैक टेस्ट करना एंड ऑल। इसके ऊपर अगर फॉलोअप आने वाले टाइम में वीडियो चाहिए डू लेट मी नो, और हम लोग चार्ट सीरीज धीरे धीरे खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल बहुत सारे प्लान है, धीरे धीरे हम लोग उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।